बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपने कई सारे बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। हालांकि एक्टर पर फिलहाल खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सलमान को कई दफा जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है, जिसके चलते हाल ही में सलमान खान को मुंबई पुलिस ने वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा प्रोवाइड की है, जिसके बाद अब सलमान खान बड़ा सोच समझकर ही कहीं आते जाते हैं और पूरी सुरक्षा के साथ ही निकलते हैं। हालांकि इतनी सारी सिक्योरिटी साथ लेकर चलना सुपरस्टार को जम नहीं रहा है, जिसके बाद सलमान ने अपनी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल हाल ही में एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान सलमान ने कहा था कि वो यूएई में सुरक्षित है, लेकिन इंडिया के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जिसके बाद सलमान के इस बयान पर अब बॉलीवुड एक्ट्रेसेस कंगना रनौत का बयान सामने आया है, जहां कंगना के मुताबिक सलमान खान को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से प्रोटेक्शन मिली हुई है। इतना ही नहीं, कंगना ने आगे कहा कि सलमान खान को चिंता न करने को कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक अब देश सुरक्षित हाथों में है। वहीं इसके अलावा कंगना ने अपना भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें भी धमकी दी गई थी, लेकिन बाद में सरकार ने ही उन्हें भी सुरक्षा दी थी, इसीलिए अब सलमान खान को भी अब इन धमकियों से डरकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। वही जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कंगना हमेशा अपने बयानों के चलते लाइमलाइट में छाई रहती है। जहां कंगना फिलहाल हरिद्वार में है, वहीं कंगना बीते दिन ही हरिद्वार पहुंची है, जहां उन्होंने गंगा आरती भी की है। हालांकि कंगना रनौत उत्तराखंड से है और वह इसीलिए भगवान में काफी आस्था भी रखती है, क्योंकि कंगना को अक्सर अलग अलग जगह पर भगवान के दर्शन करते हुए देखा जाता रहता है। वहीं हम अब बात करें सलमान खान की, तो उन्हें पिछले काफी वक्त से लगातार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की तरफ से जान से मारने की धमकी भरे मेल आ रहे हैं, जिसके बाद सुपरस्टार की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उन्हें सुरक्षा भी दे दी गई है। इतना ही नहीं, वह खुद भी अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रख रहे हैं। हालांकि अब देखना तो ये होगा कि कंगना की इस बयान पर सलमान खान का अब क्या रिएक्शन सामने आता है। वैसे कंगना रनौत को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।